युद्धों में जो थी पीछे से पौड़ी से जो नरसी से सुहाए जाएंगे तिरस्ती लग दिया जून दे बिचों अगर कोई मल को मिलने करता नहीं तो आदमी की चुनी के बाद इन भिक्षांश दिखता गया है साथ ही अपने छुटकारे बन गए यदि अपने बात भी नहीं यदि अपने बस भी नहीं अपना बस सिर्फ इन्ना ही है कि वे बेरोज रोवे पिटे क्या सतगुर तू मेरे अंदर बैठा है हर वक्त मेरे नाल है तू मेरा कोई बंदोबस्त कर जुगा के युग बीत गए ने मैं तू बिछड़ा गया चौरासी टके खाना कद सुरखा कद नरखा कद कीड़ा बनना कद पतंगा बनना कद हाथी बनना कद घोड़ा बनना तू ही बंदोबस्त कर सकना अगर इस सच्चे दिल ने दिल की सच्चाई पर है अगर सच्चे दिल ने पुकार करे तो मालिक जरूर बंदोबस्त कर पिता कृपाल आज्ञा यकीनी बारक मुख मांगे जो मंगे देने तैयार असी मंगते होर चीजा अगर मालिक नू मंगीए उन्हें कही तू मन दर्शन दे तो कुछ ना कुछ जरूर बंदोबस्त कर अपने अख्तियार दे भी नहीं कदे असी सोचे असी गिरजे च मंदरां च गुरुद्वार क्यों जाने हैं क्यों पूजा पाठ करते हैं क्यों माला फेरते हैं क्यों जप तप करते हैं क्यों कर्म धर्म करते हैं क्यों पुन दान करते हैं क्यों तीर्थां ते जाने हैं इसका मतलब की है इसका असली मतलब यह है अगर असीं गौर नाल सोचिए कि सानूं मालक दी प्राप्ति हो कुछ उहदा प्रेम उठे कोई उहदी निशानी मिले अगर मालक नहीं मिलिया उहदी कोई निशानी नहीं मिलती अगर कदे उहदा प्रेम अंदर ठाठा नहीं मारिया तो उहनां दा करना फजूल है कदे असीं कदे सोचिया एक रस्मी कार्रवाई करी जाने हां लेकिन कदे सोचिया नहीं जिसली चीज है कि क्यों नहीं मिलता क्यों प्राप्ति नहीं होंदी क्यों तड़प नहीं उठती असली चीज की है किहड़े काम वास्ते करदे हां असीं ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਅੰਨੇ ਵਾ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸਾਡੀ ਹਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ जुगन जुगन लीना अवतारा जुगन जुगन लीना अवतारा रहो निरंतर प्रगट पसारा
सतयुग सत सुख रत कै तेरा त्रेता नाम मुनिंदर ही मेरा द्वापर में करुणा में कहाए कलयुग नाम कबीर रखाए। कहीं धर्मदास नूं जिहदा असीं आम शब्द बोलदे हां कह कबीर सुनो धर्मदास दसदे ने कि मैं चारे युगां च आया। सतयुग दे विच संस्कृत नाम सी, त्रेते च मनिंदर सी, द्वापर च करुणामय सी, कलयुग च कबीर रखा के आया, लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। असली रास्ता ही हो रहा है जेड़ा मुक्ति दा है। सारी दुनिया भुली है, जिवें इन्होंने हुणे शब्द गाया है कि न्यूली कर्म वगैरह भी कीते, कर्म धर्म कीते, पुन दान भी कीते, मंदिरां च भी गया, टल्लियां भी खड़काईयां, सब कुछ कीता, पर दर्शन ना होए, मालक ना मिले। चारों युग के चारों नाम माया रहत रहे ते ठाऊं सो जागे पहुंचे नहीं कोई सुर नर नाग रहे मुख गोई सबसे कहूं पुकार पुकारी कोई न माने नर और नारी। कहने कोई सुनता ही नहीं। जे गुरु नानक साहब आया तां बुरा ही है, जे कबीर आया तां जलाह उल्टा ज्ञान फैलाउंदा है। सारे फकीरां ने इसे तरह ही उन्होंने सानूं साडे पले दी गल कीती है, असीं उन्हां तकलीफां दिंदे रहे। उनका दोष कछु नहीं भाई धर्म राय राखे अटकाई गुप्त पसारा है अत भारी ताहे न जाने नर ओ नारी। धर्म राय कहो, काल कहो, गोबर कहो, गल कोई है, कोई शक्ति मालक ने पैदा कीती है जिन्हें सारे नु रोक रखिया है। मन उहदा एजेंट है जिहड़ा सारे नाल बैठा है, सारी दुनिया मन ते मतहत है, ये अपने हिसाब नाल चलाउंदा है, इहनू ठीक रस्ते चलन नहीं दिंदा। इहदा कम की है? जीव नु भरमाउणा ते पटकाउणा, ताकि कोई जीव अपने घर वापस ना चले जाए। जे जीव वापस चले जान तो उहदा देश खाली हो जाता है, फिर राज कहते करे। ये उहदा एजेंट है, इहदा कम भरमाउणा ते पटकाउणा है। सुरगा नरकां च बेशक चले जाओ, ये कुछ नहीं कहना, वो बेशक भगती कर लो, रिद्धियां सिद्धियां हासिल कर लो, किसी च कोई रुकावट नहीं। लेकिन अगर आत्मा की आजादी की मंगो भी अपने घर पहुंचिए, उथे की रुकावट। होर किन्ने पूजा पाठ करी जाओ, किन्ने पुन दान करी जाओ, कुछ करी जाओ, सही रास्ते नहीं चलन दूगा। जिन्ने बाकी दे रास्ते ने, रास्ता एको ही है, रास्ता एको ही है। जिन्ने फकीर चाहे हिंदू होए, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, जेड़े मालिक दरगाह च पहुंचे ने, इको रास्ते आए ने, इको रास्ते गए। रास्ता केड़ा? सारी सृष्टि शब्द के जरिए पैदा हुई है, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द का टोका।
ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਾਕਤ ਇਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਸੇਵਾ ਭਗਤ ਸਭ ਥਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸ ਵਿਧ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮ ਵਟਾਇਆ, ਕਾਹੇ ਕੋ ਤੂੰ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਕਿਸ ਵਿਧ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਖਾਈ, ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਈ। ਕਹਿ ਮਹਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਅਨਹਦ ਰਾਤੇ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਕੌਮ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੋਈ ਕੌਮ ਫਕੀਰ ਮਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ। ਬਗੈਰ ਕੌਮ ਫਕੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮ ਫਕੀਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਤੇ ਟਿਕੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਈਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਰਨ ਆਫ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਇਜ਼ ਫਲੈਸ਼, ਦੈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਰਨ ਆਫ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਿਟ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਤੋਂ ਰੂਹ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਅਨਹਦ ਰਾਤੇ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲਓ, ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਮੂਸਾ ਪਿੰਗਰ ਦਿਆ ਪੀ ਪਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਕਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ, ਬਾਣੀ ਕਹੋ, ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੇ ਉਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮੇ ਮੰਗਣ ਚੜੇ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਪਾਈ। ਉਹ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ, ਨਾਮ ਕਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਰਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਨਹਦ ਰਾਤੇ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹ ਲੱਜ਼ਤ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹ ਆਲਾ ਲੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੱਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮੇ ਰਾਖੀਏ, ਤਬ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਬਾਰ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਥਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਬੈਠਾ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਸੁਰਤਾਂਦਰੀ, ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ, ਦੁਆ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਫਿਰ ਭਟਕਾ ਖਾਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਕਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਆ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਹੈ? ਜੇ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਮਾਲਕ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਾਹੇ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਾਹੇ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਾਹੇ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਦੈਨ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਦ, ਗਾਇਤਰੀ ਤਰਪਣ, ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਨ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਵਹਿ ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇ, ਜੀਬਾ ਪਰ ਆਵੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਖ ਪਰ ਕਰ ਲੇ। ਉਹ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ,
शिव गोरख सोई पार न पावे और जीव की कौन चलावे। नवनाथ चौरासी सीधा समझ बिना जग में रहे अंधा। ऋषि मुनि और संखन भेषा सत्य ठोर सपने नहीं देखा। जिन्ना दुनिया पूछदी है एक कबीर साहब का वचन है, किसे होर दा नहीं, अरे गरे दा नहीं, पूर्ण तक दा वचन है। जिन्ना दुनिया पूछदी है कहिंदे सारे उल्टे रास्ते ने, सब जप सब तप सब चितराई, उजड़ भर में राह न पाई, बिन बूझे कोई था न पाई, ना भूने माथे छाए। जिन्ने जप जिन्ने तप जिन्ने कर्म थे सब उल्टे रास्ते ने, इहदे वास्ते बंधन ने। छुटकारे आला कोई नहीं, छुटकारे आला इक्को ही है। हां जी, जोर कहीं पते आवत नाही, बहुत कहो समझा मन माही। कोई योग कोई मद के माता, कोई कहे हम लखे विदाता, कोई मान दिशा मन लावे, मौन हुए कर मूल गवावे। सत्य पुरुष की युगति न पाई, हृदय धरे नहीं सत को भाई। कोई कहे हम है भजनी काज अकाज लखे नहीं जी का। कोई कहे हम पढ़े पुराना, तत्व अतत्व सब कछु जाना। कोई कहे विद्या अधीना, सब विचार काया में चीना। कोई कहे तप वश कर राखा, तप है मूल और सब शाखा। कोई कहे कर्म अधकारा, कर्म ही सो उतरे भव पारा। कोई कहे भाग्य लिखा सो होई, भाग्य लिखा मेटे नहीं कोई। कह लग कहो यही सब कही, भेद हमार न कोई लेई। कह सारे नु समझाया पर कोई ना मन्ने। यही गुरु ग्रंथ साहब साडे हिदायत वास्ते लिखते ने,
जिस तरह पटवारी है पिंड का उन्हें सारे पिंड का पता होंगे, तहसीलदार नूं सारी तहसील का पता होंगे, उसके कोल सारे कागज पाए होंगे, डीसी नूं सारे जिले का पता होंगे, गवर्नर नूं सारे सूबे का पता होंगे, जे प्राइम मिनिस्टर कोल जाओ दिल्ली तो उन्हें सारे हिंदुस्तान का ही पता है। इसी तरह ही जेड़े जेड़े महात्मा जिथे तक गए उथे तक उन्होंने पता। जब गुरु अंगद साहब अपने सचखंड नामी पहुंचे, जब उन्हें जाके देखा कि पिछले जन्म च असीं की कीता मालक नूं मिलन वास्ते, उन्होंने सारा साडे हदायत वास्ते लिखा। हाँ जी, ਸੋਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟ ਕਦੀਆਂ ਏਕੋਂ ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਕੁਅੰਗਮ ਸਾਦੇ। पाठ पढ़ो और वेद विचारो, निवल कुअंगम सादे। कहंदे ने कि दुनिया पाठ करती सी, ग्रंथ शास्त्र पढ़ती सी, असीं भी बड़े पाठ किते, बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़े, पर मालक नाम अगर ग्रंथां शास्त्रां दे पढ़न नाल मालक मिलदा तां गुरु नानक साहिब क्यों लिखदे, पट पट गड्डी लदीए, पट पट भरीए साथ, पट पट बेड़ी पाईए, पट पट गड़ीए खार, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लिखे इक गल और हमें जगना चाह। पढ़ना कोई होर चीज़ है, अमल कोई होर चीज़ है। ग्रंथ शास्त्र सानू वाकफिए दिंदे ने, लेकिन अगर पढ़ के असीं उन्हां दे मुताबिक अमल ना करिए तो कोई फायदा नहीं उठा सकते। तुलसी साहब कहते हैं, 4:18-9 पढ़े खटपट खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना ज्यों पंछी चंडूर। कि अगर किसी ने 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र पढ़े हों, अगर उसकी सुरत शब्द विच नहीं लगी तो उसकी हालत चंडूल जानवर जैसी है, जिड़ी जेड़ा के प्राइया प्राया जानवर की बोलियां बोल बोल के उन्होंने आलिया च वड़ जाता, उन्होंने अंडे खा जाता। इस तरह ही फिर कहते ने, वेद कतेव सिमरती शब्द शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। और कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार, नानक बिन नामे कुछ थिर नहीं पढ़ पढ़ होए खुआर। पढ़ना नहीं मिलता जब तक अंदर नाम या शब्द नु प्रगट नहीं करता। कोई सतगुरा नाम या शब्द है, सतगुरा तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुरत चेला, वो मुक्ति वाला गुरु दे अंदर है, वो शब्द ही मुक्ति देने वाला, वो गुरु ही शब्द गुरु ही मुक्ति देने वाला, बाकी कोई नहीं। असली पढ़ना की है, पढ़ना गुणना एक नाम है, बस और कोई चीज नहीं, पढ़ना गुणना एक नाम है। नाम अंदर प्रगट करना ही असली पढ़ना है, ये लफ्जा च नहीं मालक मिलता। दृष्टमान अखर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा, वेद कतेव संसार सबाहू बहरा, नानक पाशा दिसे जाहे। ये लफ्ज तां त्रिलोकी तक ज्यादा से ज्यादा कम दिंदे। सोचो जिस वक्त मौत आई, मौत दे वक्त जदे दी चेतन सत्य निकलती है तो की हुंदा है, सारी चो निकल के जब इतों निकली मुंह चो तो बोलना खत्म हो गया, लफ्जा ने अखा च निकली उन्हें देखना खत्म हो गया, कन्ना च निकले उन्हें सुनना खत्म हो गया, तिने गल खत्म हो गई, लफ्ज तो इतने खत्म हो गए। अगे मन चित बुद्ध अहंकार का स्टेशन है, उतो निकले तो चित भी खत्म हो गया, तो बाकी ये नाल की गया अगे। ये तो बोलियां इतने कम नहीं दिंदियां, साड़ी पंजाबी बोली इंग्लैंड चले जाओ उत्थे कम नहीं दिंदी, उत्थे दी बोली सीखनी पऊ, अगे वाली बोली तो सीखी ना, जिहड़ी अगे कम देनी है।
इथी रह गई उन्होंने कहा बावन अखर लोक त्राए सब कुछ नहीं मैं ये अखर खे जाएंगे अखर इनमें ना लफ्जा च नहीं लफ्ज तो उत्थे इतनी खत्म हो गए अगे की जाऊ न अगला तो कद सोचे ही नहीं भी अगे की जाऊ साढ़े नाल यही तुलसी साहब कहने तपते जी भिया संसारी छुटे ना ग्रंथ ना होए सुखारी सुरती प्राण सब क्यों पाए छुटे ना अधिक अधिक हो जाए ये ग्रंथ शास्त्र च उलझ गया है वह कहना साडा वड्डा वह कहना साडा वड्डा मैं एडा पाठी मैं ये करदा मैं वो करदा इन्हें च उलझ गया जिहड़े असली मतलब सी अमल करके अंदर सतगुरु नूं प्रगट करना तो कीता ही ना करना तो सी अंदर नाम या शब्द नूं प्रगट करना सी जिन्हें ग्रंथ शास्त्र ने सब यही इशारा दे रहे हैं तेरे अंदर सच्चा नाम है तेरे अंदर सच्चा सतगुरु है तेरे अंदर सच्चा शब्द है तेरे अंदर सच्चा अमृत है एक चीज का ना हो नौ वखरे वखरे ने पाणा कहते हैं किसी मौज में मौज का जाहिर होती है जब हुक्म करे हुक्म जब बोले बोलो कहते शब्द शब्द जी लहर कहते नाम जी बारीक हो जाए कहते तुन क्योंकि वह बोली इस करके बाणी क्या है क्योंकि ऐसी कथा जी कदे खत्म नहीं होंगी इस करके कथ कथा क्या है क्योंकि उस विच रस है इस करके अमृत क्या है चीज एक ही है एक चीज का ना है अमृत एक शब्द है नानक गुरमुख पाया जब शांति आनी है वो अमृत पी के आनी है नाम का रस लेके आनी है नाम मिले मन तृप्ति बिन नाम मित्र जी वास वो नाम ये अंदर है का नगरी में मंगन चढ़े जोगी ता नाम पल्ले पाई जिद विच अमृत है ओदे अंदर है नौ ने अमृत प्रभ का नाम देही में उसका विश्राम जब तक उसरी लेंदा जब तक शांति नहीं वही असली पढ़ाई है वो असली ज्ञान है वही सब कुछ है वही असली तीर्थ है तो कहते पाठ भी किते एक जा गुरु अमरदास ने लिखा कलम भी जल जू स्याही भी जल जू कागज भी जल जू लिखण वाला भी जल जू तो बाकी की रह गया बोलो एक मुसलमान फकीर होया उन्हें कहा तू बमानी जान जुमला आलम में हर दो आलम खुद तू ही बार नगर्द में कह इंसान तू दोनों आलम की जान है तू सारे आलम की जान है दोनों आलम तू खुद आप है दर हकीकत खुद तू ही उम्मुल किताब तू सब किताबां दी मां है खुद से खुद आयात है अकरा बाज है तेरे अंदर मालिक दी आयात खुद ब खुद आ रही ने जिन्हें गुरु नानक साहब ने कहा जै मैं आवे खसम की बाणी तैसा करी ज्ञान दे ला लो वो बाणी दे अंदर है जिहड़ी मुक्ति देनी है बाणी तो हीरे जवाहरात ने पर सानू कदर नहीं रतना रतन पदार्थ बहुत सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तीन हथ चढ़िया राम जिन्हें इस बाणी नू समझ के अंदर आली बाणी नू प्रगट कर ली गुरबाणी नू ओदे हथ चढ़ते ने बाकी तो सारे धक्के खाते रह गए बाकी खाली दे खाली हाँ जी कहते पाठ भी किते फिर अखे लोग वेदा शास्त्रां दा विचार करते सी ज्ञान छाणते सी असी वह भी किया पर मालिक ना मिलिया हुण अगर वेदा शास्त्रां दे ज्ञान छाटण नाल मिलदा तो रावण वर्गा कोई टीकाकार पंडित नहीं अज तक होया लेकिन क्या उदों अंदर शांति आई अगर शांति आउंदी तो प्राइया औरतां क्यों चुराउंदा सारे ज्ञान का तत्व की है तत्व ज्ञान मनोवासना नाश मन नु काबू करना इंद्री जीते सो ब्रह्म ज्ञानी जिन इंद्रिय जीत लिया वो ब्रह्म ज्ञानी है कबीर साहब कहते पढ़ना लिखना चात्री ये तो बात सहल काम दमन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल पढ़ना लिखना तो सिखाला है पर मन नु काबू करना इंद्रिय नु काबू करना ये औखा काम है वेद व्यास दक्षित सी जैमनी उन्हें कर्म मासा दर्शन एक किताब लिखी वेद व्यास ने दिखाई कहना किताब तो बड़ी सोहनी है पर ते अमल करना औखा वो कहना कोई मुश्किल नहीं अच्छा क्या आजमा लांगे एक दफा बीबी का रूप धार के चलिया गया शाम का वक्त ऋषि की कुटिया ते गया जैमनी दी कहन लग्या मैं आखे दूरों आई हाँ इतने रास्ता भुल गई हाँ मैंने इतने जगह दे रात वास वो कहन लगे मैं तो बीबी का मुँह नहीं देखना चाहूँगा आखे मैं फिर मैं चली जानी हाँ जे जानवर फाड़ फूड़ के खा गए तो तेनू पाप लगू हम उस डरा लिया हिसाब ना
हस फसा लिया, कहन लगे चंगा छप्पर चली जाए कुटिया जी च, ते रात नूं तू बाहर ना निकली, कोई दरवाजा खड़कावे तो दरवाजा ना खोली, चाहे मैं भी आवां। उन्हें चंगा, हुण अगे किसी बीबी का मूंह ना देखिया, हुण अंदर गया तो सामने आवे, फिर आया सामने आवे, कहिंदा चलो गल करन च की हर्ज है, इहदा तो कोई पाप नहीं, कोई भैड़ा काम नहीं करांगे। जाके दरवाजा खड़काया, उन्हें दरवाजा ना खोलिया, फिर खड़काया, उन्हें ना खोले, आखे मैं जैमनी, आखे हुण तू जैमनी नहीं, छत पाड़ के अंदर चले गए। अगे देखे बेब्यास बैठा, सुप गान छड़ने दे सखाले ने, पर इनू काबू करना औखा, इनू काबू कर, पहले तो ग्रंथ दे मतलब नहीं समझ आउंदा, ग्रंथ माई अर्थ है, अर्थ माई है भूल। कबीर साहब कहे अंधे मिल हाथी चूहा, अंधे मिल हाथी चूहा, अपने अपने ज्ञान अपने अपने सब कहे किसको दीजे कान, अंधों का हाथी सही हाथ टोल टोल, आंखों से देखा नहीं ताते भिन भिन बोल। क्या रन्ने सी, उन्हें देखा भाई सुने भी हाथी आया, उन्हें कभी देखी कैसा है, उन्हें की देखना, किसने हाथ फेरिया पेट से, उन्हें देखा भी ये तो कंध भर गया, किस लत नू हाथ पै गया, उन्हें कह थंब भर गया, किसी पूछ पै गया, उन्हें कह रस्से भर गया, किसी कन्न नू पै गया, वह कहना कि छज भर गया, वह पूछ गया दसे भी हाथी है, वह कह छज भर गया, वह कह रस्से भर गया, हूँ अपनी अपनी वो ठीक कहन। इसी तरह जिथे जिथे साडा मन बुद्धि जांदा सी उहे ज्ञान छांट लैंदे आ, पर असली मतलब नहीं समझ सकते। डॉक्टर दी किताबां इत्थे पईआं ने, दवाईआं पईआं ने, असी बीमार हो गए, असी किन्ने पढ़े लिखे हुई, असी दवाई नहीं कढ सकते, इलाज नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर आएगा किताब चो मतलब भी दिखा देगा, दवाई भी दे देगा, इलाज भी कर देगा। इसी तरह रूहानी इलम है, जब तक कोई कामल महात्मा ना मिले इहदी बाणी दी समझ नहीं आउंदी। भाई गुरदास ने तां फैसला ही कर छड्डिया, बे ग्रंथ गुर हट है, जितलक पौजल पार उतारा, सतगुर बाज न बूझिए जिच तरे न गुरु उतारा। जब तक आप आदमी का चोला पाके ना आवे, सानू समझा नहीं सकता कोई, उत्थे तक पहुंचा होवे उस मंजिल तक, वह सानू दस सकता है, जब डॉक्टरी दे इलम नहीं सानू समझ पै सकती, चाहे किन्ने पढ़े लिखे होइए, तो यह कित्थों आवे, यह तो बाहरला इलम है, यह तो अंदरला इलम है, यह कित्थों आवे। सो कहिंदे सी सारा कुछ कीता, यह भी कीता, पर ज्ञान भी छांटे, पर मालिक ना मिलिया। गुरु अमरदास ने विचार ले लिया, वेद पढ़े पढ़ बात बखाने, कट में ब्रह्म तिस शब्द न पिछाने, गुरमुख होवे सो लिप्तो वरते, मनमुख का क्या बसा है। कहिंदे बिरदंद पढ़न दी गल्ल तां इह सी, कहिंदे ब्रह्म दे शब्द नूं प्रगट कर दे, पर सारी उम्र बहस मुहासे गुजारती, असली ज्ञानी कौन है, असली ज्ञान की है, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहावे सोए। कहिंदे तुहानूं प्रगट करना, नाम नूं प्रगट करना, यही असली ज्ञान है। सो ज्ञानी जो शब्द लिव लाई, जिन्हें अंदर शब्द ना लिव ला ली, वह असली ज्ञानी है। वह कद मिलता है, वो शब्द रेडियो वेव की तरह है तो सारे, मगर ओदा सुन दा सरीए दे अंदर है। जद सारे ख्याल छड के अपने ख्याल नू अखां दे पिछे इकट्ठा करदा है, जिउंदा मरदा है, तां ओह सुनाई दिंदा, तां ओह नतलक पैदा करदा है। ई गुरु अमरदास साहब कहंदे ने, नौ दा ठाके तापत रहाए, दस में निज करवासा पाए, उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमति शब्द सुनावने। ये नौ दरवाजे ने, दो अखां दे, दो कन्नां दे चार, दो नक दे छीक, मूंह दा सद, दो टट्टी पेशाब दे, इन्हां चों ख्याल नूं तोड़े। हुण तुसीं बंद अखां बंद करके बह जाओ, कन्न बंद करके बह जाओ, लेकिन मन फिर नठे भजे फिरदा, तापत रहाए, इहनूं रोक, किसे कान फकीर ते पुछ के इन रोक, अपना सिमरन कर, ख्याल नु कठा कर, नौ दा ठाके तापत रहा है, दस में निज करवासा पाए, इत्थे ख्याल नु कठा कर, उत्थे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमति शब्द सुनावने। एक गुरमत ना मिलता, जब तक कोई गुरमुख पूरा ना मिले, सही रस्ते सानू दस नहीं सकता, सही रस्ते पा नहीं सकता, और जब तक सही रास्ता नहीं मिलता, अंदर नामे शब्द नु प्रगट नहीं करता, अपने करदा रास्ता नहीं मिलता। ये जिउंदे मरे ते मिलता, मेहनत करन दा मजमून है। ज्ञान दिशा आवन कठिन, विरला जाने कोए, ज्ञान दिशा तब जानिए जब जीवित मृत कोए। ये जिउंदे मरन दा सवाल है, ये तन दे विचों निकलन दा, सारे तलक तोड़न दा सवाल है। हाँ जी।
ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਛਾਂਟੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ, ਨਿਯੋਲੀ ਕਰਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਾਂ ਦਾ ਧੋਣਾ, ਮੁੰਦਰਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਨਿਯੋਲੀ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਢੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ, ਪੇਟ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਤੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਧੋਤੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਪੇਟੀ ਪੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 20-25 ਗਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਜ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਖੂਬ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਨ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮਾਲਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੋ, ਨਿਵਲ ਪੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਐ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜਨਮ ਮਨ ਨਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਕਾਮ ਕਟਿਆ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਟਿਆ, ਨਾ ਲੋਭ ਕਟਿਆ, ਨਾ ਮੋਹ ਕਟਿਆ, ਉਲਟਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਏਡਾ ਪਾਠੀ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਗਿਆਨੀ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਨਿਯੋਲੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ 84 ਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਸਚਾਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਹਉਂ ਮੈਂ ਧੀਰ ਗਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਕੀ ਸਮਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਤਰੂ। ਧੀਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਵਾ 84 ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਗੜੀ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂਝ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਤਾਊਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਅਗਰ ਬਤਾਊਂ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ, ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਔਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੇ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫੁਲ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕੀਆ ਕਿਰਾਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਜਬ ਆਇਆ ਹੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹ 84 ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰੋ ਸਵਾਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਨਾਇਆ ਪੜੀ ਮਜਦਾਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੀ ਕੋ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਗੁਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ, ਅਕਲੀ ਕੀਜੇ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਰਾਖੇ ਆਖੇ ਰਾਹ ਏ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ।
कि मालिक ने तेनों अकल दिती है, विवेक विचार दिता है, कुछ सोच के कम कर। कई दफा साडा दान कीता कराया ऐसे तो चले जाता, जेड़े दे वास्ते सगा पाप बन जाता है। शराबी कबाबी को चले गया, किसी होर को चले गया, किसी ने किसी होर पाप कर लिया, वो फा पऊ की पऊ। पाठ भी हो है, पूजा भी हो है, जिथे मालिक का प्यार उठे अंदर उदा रंग लगे। सो जप सो तप सब अर्थ पूजा, जिथे हर सुख प्रीत लगाए। जे मालिक का प्रेम ही नहीं आया तो जप तप कि कम। जिथे मालिक का प्रेम ही नहीं उठा, अंदर है नहीं निकली, तड़प नहीं उठी, क्या जप क्या तप क्या वर्त पूजा, जाके हृदय पाओ है दूजा। जिथे दूई रह गई उथे फिर केड़े जप तप रह गए। जप तप हुई है, पूजा पाठ हुई है, जिथे मालिक का प्यार उठे, कुछ शौक उठे, प्रेम उठे, पर सत्संग भी मिलना मुश्किल है। गुरु साहब कहते हैं कई कोट मांग है सत्संग पार ब्रह्म तिन लादा रंग। लखा करोड़ा आदमी चाहते ने कि सानू ऐसा सत्संग मिले, कि मालिक का प्यार और प्रेम मिले, जिदे विच जिनको होए आप स्पर्शन नानक ते जन सदा तन तन। जी तो मालिक मेहर करे उन्हें बेशक मिले, नहीं बाकी नहीं। हाँ जी मोन पयो कर पाती रखो नग्न फिरो बन माही। कहने फिर सानू ख्याल आया भी जेड़े मौन रखते ने चुप रहते ने शायद मालिक उन्होंने मिलता होवे। कहते सी बड़े बड़े मौन रखे, हुण पर मालिक ना मिलिया। असी पुद्र वाली सी, उत्थे एक नजदीक मौनी सी बैठा, उहदा गुरु चोला छड़ गया। 19 साल उन्हें मौन रखे हो गए। हुण बेचारे नूं आप ना पता मैं चोला छड़ जाना है, नहीं तो उन्हें कह जाता भी मौन खोल। हुण ना वो खोलन जोगा ना वो रखन जोगा, हुण गुरु का भंडारा करना है। वो चिट्ठियां लिख लिख के भेजदा है, लियाओ भी कुछ दियो भंडारा करिए, दियो कुछ भंडारा करिए। मुसां जी को गल आई, मुसां जी बड़े हसे, कहने 19 साल का मौन, गुरु का भंडारा नहीं कर सकता, उस मौन से की फायदा, उस मौन का की फायदा। पलटू साहब कहने मौनी मुख से बोल मौन मने मन रहे, भूख लगे पर सैन बतावे, प्यास लगे पर पानी, मनुआ तरसत बोलन कारण कौन भगत तुम जानी। जे कोई गल करदा दो तोले जीव नहीं हिलांदा, सिर नूं ऐ हिला दूगा, उस मौन दा की फायदा। मौन दा असली मतलब की सी, जिन्ना ही ज्यादा बोलदा इहदा मन बाहर नठिया भज्जा फिरदा, मालिक तो दूर ही हुंदा जांदा। दादू बकवास तो यह मन वायु भूत हो जाए, भूतां वांगू किते किते जांदा। उन्होंने इहनूं घट बोलना सिखाया भी घट बोले, जरूरत दे मुताबिक ही बोले, बाकी यादगिरी च रहे, मन नूं ख्वाहिशां ते परे न करे। जे अंदर बैठा ख्याल आ कोई चीज आवे तो फिर वो केड़ा मौन है, वो तो ख्याल तो उधर ही फिरदा रहा। ख्याल तो दुनिया में नहीं तोड़ना सी, मालिक में नहीं जोड़ना सी, नहीं तो मौन का केड़ा फायदा। कहना फिर असी की ख्याल किया, नग्न फिर बनमाही भी जेड़े जंगलों च रेंदे ने, पत्ते पुत्ते चाके खाते ने, फल टुटे खा ले भी कोई कर्म ना लगे, असी भी नंगे रहे, हथा ते खादा, हथा ते पानी पीता ताकि कर्म न लगे। कहते फिर भी मालिक ना मिलिया, नगन फिर जो पाइए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब हो। कहना अगर नंगे फिरना मिलता तो मिर्ग सारे नंगे फिरते नहीं, जानवर होर सारे नंगे, फिर सारे की मुक्ति हो जाती, फिर बाकी की। कहते सारे काम किते पर मालिक ना मिलिया। हाँ जी मन पयो कर पाती रखियो नगन फिरो बन माही। तट तीरथ सब धरती परम्यो डुबदा छुटके नाही। कहने फिर असी ख्याल किया भी जेडे लोग तीर्थां ते नहाउंदे फिरदे ने शायद उन्हां नूं मालिक मिलदा होवे। कहिंदे असी गंगा जमुना गोदावरी सारे तीर्थां ते नहाए पर मन दी दुबधा ना गई, मन मैले दा मैला रहा,
पापा दी मैल ना गई, कर्मा दी मैल ना गई, मन कोरे दा कोरा रिया। नामदेव कहंदा गंगा दया गोदावरी संसार के कामा, नारायण सब प्रसन्न होए ते सेवक नामा। कहने इस तरह मालिक खुश होवे तो मैं तो सेवक बन तैयार। सुचे ना किए बहन जो पिंडा तोए, सुचे सही ना क्या जिन मन वसिया सोए। अंदर मालिक नु वसावे ता सुचा बने, कितों बने। काया मांझ सकाउण गुणा, जे कट भी तरह मलना, लौकी अड़सठ तीर्थ नाई कौड़ा पंत हो न जाए। किन्ने नाले मालिक नहीं मिलता, पापा दी मैल नहीं लाउंदी, ये तीर्थ कितों बने, कितों बने। 2000 साल पहला ईसाइया दे तीर्थ नहीं सी, 1300-1400 साल पहला मुसलमाना दे तीर्थ नहीं सी मक्का मदीना, 500-600 पहला सिखां वाले तीर्थ नहीं सी अमृतसर तरन तारण करतारपुर होर जगह कोई नहीं सी। तीर्थन बनाउण वाले कौन ने, संत, जिथे उन्होंने भगती की या जन्म लिया या चोला छड़िया, वो जगह तीर्थ बन गया। अगर कोई दुनिया च तीर्थ है तो किसी फकीर का संग है, कामल फकीर का संग है, संत समागम सं कोई तीर्थ और नहीं संसार, मंजन करत जन्म के पात्र कट न लागे पार। यही असि हर महीने पढ़ते हैं 12 माह, माघ मंजन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान। वो असली मंजन है, वो असली माघी है कि संत संघ च उन्हें तूड़ी च ना, वो तूड़ी अंदर है बाहर नहीं असली है, वो तूड़ी अंदर जाके मिलती है, वो तीर्थ अंदर है असली। 68 तीर्थ तो बिखे बाहर क्यों भटकाए, चरणदास यूं कहता उल्टा होए घटाए, अंदर चल तेरे अंदर 68 तीर्थ ने। वो अमृतसर ये अंदर है, काया अंदर अमृतसर, काया अंदर अमृतसर साचा मन पीवे पाए सवाई हो। वो प्राग दे अंदर है, ईड़ा पिंगला सुखमना तीन वसे कठाई, बैणी संगम ते प्राग मन मंजन करे देता है। जिते तीन नाड़ियां उथे तीन नदियां मिलातियां ने, बाहर नमूना सानू दसे। इसी तरह इहदे अंदर तीन नाड़ियां ने, ईड़ा पिंगला सुखमना, नाड़ियां दा उथे कोई तलक नहीं, जिथे उथे संगम है इथे ख्याल नू जोड़े उथे तीर्थ नाम दा। 68 तीर्थ नाम है किलवे कटनारा, वो पापा की मैल लाउण वाला, बाहरला कोई पानी पापा की मैल नहीं ला सकता। असी रोज पढ़ते हैं जपजी साहब, परिये हथ पैर तन दे, पानी तोते उतर सखे, मूत पलीती कपड़ोए दे साबुण लिये तोए, परिये मत पापा के संग, वो तोपा नामा के रंग। वो नाम का तीर्थ के अंदर है, उदे भी जाके पापा की संतां मैलां दा ही पता नहीं केड़िया ने, सानू मैलां दा ही पता नहीं, बस इसे तो गए तीर्थ दे नाए भाई पाप लै गए, मैलां दा ही पता नहीं। तन दे जरिए असीं चोरियां करदे हां, सनाहकारियां करदे हां, जीव हिंसा करदे हां, लोकां दुख दिंदे हां, मन दे जरिए फजूल ते बुरे संकल्प उठाउंदे हां, ईरखा द्वैत वैर विरोध, इन्हां मैलां दा कदे ख्याल ही नहीं आया। वचन दे जरिए कड़वे वचनां दूजे दिल दिखाउंदे हां, खुदगर्जी वास्ते झूठ बोलते हैं, पराइया निंदिया कर करके अंदर मैले करते जाने हैं, सगा इन्होंने मैलों का ख्याल ही नहीं। धन के जरिए ऐशो इशरत बदकारी के समान खरीदते हैं, वो सुरत वो ख्याल वो आत्मा कह लो जिहड़ी असी सतगुरु नाल जोड़नी सी, वो मूह माया ते जड़ पदार्थां चलाई पई, इन्होंने मैलों का किसी को ख्याल ही नहीं। जिवें गंद मक्खी है सारा दिन गंद ते फिरदे भिन भिन करती, असी गंदगी का रूप होए पए हाँ। सुर दे मलीन ओह ने जिन्हां दी सोत अंदर शब्द नहीं लगदी, मन दे मलीन ओह ने जिहड़े विषय विकारां च होर ख्यालां च फिरदे ने, सत्संग शुभ कर्म वगैरह का ख्याल नहीं करते। तन दे मलीन ओह ने जिहड़े दत्त मंजन वगैरह नहीं करते। सारिआं तों जरूरी मन और आत्मा की सफाई है, मन और आत्मा की सफाई के बगैर बड़िया बड़िया ताकतां जिन्हां दुनिया पूजदे मैली है। असीं रोज़ पढ़ते हैं मैला ब्रह्मा मैला इंद रब मैला मैला है चंद, मैला मलता सब संसार इखर निर्मल जाकांत न पार, कह कबीर ते जन परवान निर्मल ते जो राम है जान। जिन्हें अंदर राम ने प्रगट कर लिया वो निर्मल है, बाकी सारी मैली मैली दुनिया। हाँ जी, कहते तीर्थां दे भी गए पर मालक ना मिले। हाँ जी, मन कामना तीरथ जाए बस्यो,
सिर करवत तराए। कहिंदे फिर ख्याल आया जेडे तीर्थां ते जाके रहिंदे ने सारी उम्र उत्थे कटदे ने शायद उन्हां नूं मालक मिलदा होवे। असीं ओह वी कीता तीर्थां ते जाके रहे उत्थे जाके मकान बनाया उत्थे दा पानी पीता उस रोटियां बनाईयां ओही खादा उस नाल नाते। कबीर साहब कहिंदे जे यो बिचारे रहे कोई काशी सार शब्द दे नियम प्रवासी। नीम शार बद्री प्रधाना गया द्वार का प्राविश नाना अड़सठ तीर्थ भू परिक्रमा सार शब्द बिन मिटे न भरना। जन्म मरने मिटदा। फिर कहने ने कि काशी दे विच कारा सी उत्थे दे पंडियां ऐलान सी कि जेड़ा कोई जिस ख्वाहिश नाल ओ सारे नाल सिर कटाउंदा अपनी जायदाद वगैरा सारी दान करदा ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਕਟਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕੂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਲਾ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸੀਸ ਕਟਾਵੇ ਤੋ ਵੀ ਹਮੇ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸਿਰ ਕਟਾਇਆ ਬਸ ਖਤਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत तराए। मन की मैल न उतरे ए बिदे जे लख जतन कराए। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਛਾਂਟੇ ਨਿਯੋਲੀ ਕਰਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖੇ ਪਰ ਮਨ ਮੈਲੇ ਦਾ ਮੈਲਾ ਰਿਹਾ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ 88,000 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ ਆਖਿਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਚਰ ਜੀ ਪੂਰਨ ਯੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਮਛੋਦਰੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ 60,000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਸ ਬੀਬੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਪਾਰਸਨਾਥ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲੜ ਸਕੇ ਨਾ ਬਹਿਸ ਮੁਹਾਸਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੜ ਲਓ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਹਿਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗੀ ਹੈ ਮਛਿੰਦਰ ਨਾਥ ਹੈ ਉਹ ਲੰਕਾ ਦੇ ਟਾਪੂ 'ਚ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਨ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲੇ ਫੂਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭੜ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਫੂਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਪਿਲ ਮੁਨੀ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲਣ। ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਾਈ ਫੌਜ ਲੈ ਚੱਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਯੋਗੀ ਆਪਾਂ ਦੋਏ ਕਾਫੀ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ 7 ਆਦ ਦੇ 8 ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਗਏ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯੁਕਤੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵਿਆਸੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੇ 7 ਧਾਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾੜ ਛੱਡੇ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਆ ਬਈ ਕਿਹਨੇ ਉਠਾਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੜ ਲੈ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਨ ਲੈ
सारे ऋषि मुनि तेरा हवाला दिया। वो कहने लगे राजा मैं तो एक दुश्मन से डरता हुआ इतने बैठा हाँ, मैं तेरे ना की लड़ाई कर सकता ते की तेरे ना बहस कर सकता, एक दुश्मन से डरता हुआ इतने लुक के बैठा। वो कहना केड़ा दुश्मन है? तो बहुत भारी दुश्मन है। अखे तेन समाधि मुद्दत हो गई होनी, हूं तो राज मेरा है, तेनू कोई की कह सकता है? वो कहन लगा तेरे वर्गे ने तो हो हड़प करके खा गया कई तो डकार भी नहीं लिया, ओदे अगे तो बड़े बड़े पीर पैगंबर आउलिया सब नचते फिरते ने, एक मिनट सारी दुनिया फिर आता तू की हस्ती है? वो कहन लगा या तो मैं दस, या तो मैं उन्हें मार के आऊंगा खत्म करके आऊंगा, नहीं तेन मुंह नहीं दिखाऊ। तो कहने लगे वादा पक्का? क्या पक्का? अतो मन तेरे अंदर बैठा, इन्हू काबू कर ला तो बेशक। हूँ वह ग्रंथ शास्त्र पढ़िया सी, वेद शास्त्र पढ़िया सी, बथेरी युक्ति की, पर कितने काबू आ गए? चीज ही नहीं, गलों थोड़ा काबू आंदा। आखिर बेचारा तंग आ गया, जेलम ते जाके चिता जला के जिंदा मर गया। सो कहने सारे जतन किते, मन काबू ना आया, मेले का मेला रहा, ये मेला ना गई, सब कम किते। हाँ जी, मन की मैल न उतरे ए बिदे, जे लख जतन कराए, कनक कामनी खबर गैवर, बो बिद दान दातारा, अन बस्तर भूमि बो अर्पे, ना मिलिए हर द्वारा। कहने से फेले ख्याल कीता, जेडे पुन दान करते ने, गरीबां दे सीस लेंदे ने, शायद मालिक उन्हां नूं मिलदा होवे। कहते सोना चांदी औरतां जमीना कपड़े सब कुछ, घोड़े हाथी पुंदन कीते, पर मालिक ना मिले। तो पुंदन है की चीज? पाप पुन बीज की कोट, एक बीज है जिन्हें संसार चलता थे। इस काय अंदर पाप पुन दो भाई, दोवे मिलके सिस्ट पाई, दोवे मार जाए इत घर आवे गुरमुख सह सुहावनी, इन्हें परे जावे तायदा खड़ा छुटता नहीं। ये दोनों हथकड़ियां ने कृष्ण भगवान ने कहा, एक लोहे दी है एक सोने दी, लेकिन है तो हथकड़ी। जे पाप करदा तो नरकां चले जाऊगा, जे पुन करदा ज्यादा सुगन चले जाऊगा, लेकिन छुटकारा ना होया। इंद्रपुरी में सिर पर मरना, ब्रह्मपुरी ने चलनी रहना, शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिन सताला, फिर 84 त्यार है देवा। कृष्ण भगवान ने उधर कहा, हे दो आज जरा कीड़ा जंदा, ये कई दफा सुरगंध का राजा इंद्र बनया, कई दफा सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा बनया, अजे कीड़ा। 84 ना छुट्टी, उन्होंने मुक्ति कल पर्यंत है, उसके बाद इन फिर 84 चौना पैंदा। जब ब्रह्मा वगैरह कल पर्यंत पूत के वो कीड़े बने फिर दें, तो असी कौन आ? एक वीर साहब कहने, तीन लोक का पिंजरा भया, पाप उन्दो जाल, सकल जीव साबज भय एक हेरी काल। के दोनों ही पाप और पुन बीज ने जिन्ने सारी दुनिया चलती पई है, त्रिलोकी तक पिंजरा त्रिलोकी, जिदे विच सारयां नूं कदे पुन दी हथकड़ियां लग गईयां, कदे पाप दीयां, कदे सुगां चलिया गया, कद नरक चलिया गया, कद मिंत मंडल च आ गया, लेकिन 84 ने छुट्टी। शम्स तबरेज ने कहा, आवारगी निविशुदा, खाना फरामोश शुदा, गंदा पीरे कावली, बस सैर कर देता सबरेज। उस काल ने ऐसा जादू पाया, निकलने का राह कोई नहीं छड़िया। ये महात्मा चरणदास कहने, पाप उनके सत्य ही ठहर रहा ब्रह्मांड, इन दोनों के मिट्टी होत खंडू खंड, विरले जन को होता है पाप उनकी सूझ, सोई उतरे भाव जाल से बहुते रहे रूझ। ते सारी ये उलझे पे ने, चंगे कर्म करी जाओ, पुन करी जाओ, छुटकारा हो जू। ये नहीं पता हथकड़ी लगी भी है, छुट्टिया ना। कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुन संबंध, ममता मोह सब बंधना, पुत्र कलित्र सो धंध, जहां देखा था जूरी माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्ते, सारे निरखा था। कहना वो भी ना मिलिया, छुटकारा ना होया। हाँ जी,
पूजा अर्चा बंदन डंडौते खटकर्मा रत रहता हो करत बंधन में पर्या ना मिलिए ए जुगता। कहते फिर असी ख्याल किया जेडे मंदिर जाते ने देवी देवत्या की ठाकरा की पूजा करते ने चंदन छिड़कते ने लंबे पैके डंडा करते ने शायद उन्होंने मालिक मिलता हो भी असी किया लंबे पै पैके डंडा कीतिया चंदन छिड़के खटकर्म क्या यज्ञ करना और कराना विद्या पढ़ना और पढ़ाना दान देना और लेना ये सारे कर्म किते पर मालिक ना मिले उल्टा होर अहंकार बन गया कि मैं दा पुजारी मैं जाके उत्थे जाके मत्था टेक के आना मैं एडा खटकर्म दान देने वाला लैण वाला मैं एडा पाठी मैं गुणी मैं ज्ञानी मैं आलम मैं फाजल कहना सगा उल्टा होर अहंकार बद गया सगा होर 84 दा अधिकारी बन गया। हाँ जी जोग सिद्ध आसन 84 ए पी कर कर ਮਸੰਦਰ ਗੁਰਖ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ 84 ਦਿਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਚੱਲ ਕੁਛ ਜੋਗੀ ਆਸਨ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘੀ ਬਾਜੇ ਨਿਤ ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਜੀ ਤਾਂ ਗੂਝ ਨਾ ਪਾਈ ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਆਵੇ ਗਿਆ ਅਸਲੀ ਆਸਨ ਕੀ ਹੈ ਤੋਰੇ ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਕਾਨੇ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਹਾਂ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਬਸ ਇਹ ਅਸਲੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ 84 ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਤਨਾ ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰਾ ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਜੋਆ ਨਰਕ ਕੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਖੁਦਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜ ਜਿੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਗੇ ਸਰ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰ ਕੀ ਵਾਇਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਲਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਜੇ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਮੋਹਨ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਆਸਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮਾਲਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰ ਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੂਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੈਸਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ
बाजे की आवाज से मस्त होकर अपना सिर रख दिंदा ते पकड़े जांदा। सप जैसा जहरीला जानवर दीन की आवाज सुनता ही अपना जहरीलापन भूल जांदा ते उसे सिर रख दिंदा ते पकड़े जांदा। मेरे दिन लास्ट थी साढ़े उसे माफी शिकार रखे उन्होंने काम की थी गिदड़ मारने से बाज मारने। गिदड़ सूर्य ने बच्चे को खराब करते थे तो बाज चित्रा वगैरह को खराब करते मारते। राजा उसे आके शिकार खेलता हूँ उन्होंने काम यह थी कि बाज मारने से गिदड़ मारने तो उन्होंने एक निशानी गाह जाके जमा कराना जैसे इन्हें मार के आए। एक दिन मैंने कहने लगे और बावरी लिया टक की टाणी तोड़ के हिलाने गिदड़ी की आवाज सुनाई। गिदड़ी की आवाज से ज्यों गिदड़ दौड़े उन्हें ठा 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 करके गई मार। तो एक ताकत है इसी तरह बाहर मुखी राग दे झूमन लग जाता है जिम्मे पकड़े जाते हैं पर दुनिया न तलक नहीं टूटता। यदि मस्ती भी आर सी साज भी आर सी बोलन वाले भी आर सी सारी चीजा फना ने वो मस्ती भी आर सी उन्होंने मुकम्मल मस्ती नहीं। भाई गुरदास ने कहा जो कि नाथ बात सुन मृत आम ज्ञान दाचे राम सुख होए सद वेदी ना कहा कि जिस तरह दिन बाजे की आवाज से हिरन मस्त हो जाता है और पकड़िया जाता है इसी तरह असं भी दुनिया च पकड़े जाने इन्ना तलक नहीं टुटता। आवाज भी फना जिन्हें च दो घड़ी मस्ती हुई मगर कितने जाती है भाई बल्ला बल्ला दो घड़ी तो बल्ला 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 बड़ा स्वाद आया मगर कितने गई वो आज आवाज आ रही है वो कीर्तन हो रहा है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਾਗ ਹੈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਲ ਜੁਗ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਲ ਕੀਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਇਹ ਭਗਤ ਕੇ ਅਭਿਮਾਨ ਸੱਚੀ ਕੀਰਤ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਰ तेरा कहा सो कर कहा जितवा सर संभाले बाजे तेरे नाद अनेक असंखा किते तेरे भावन हारे किते तेरे राग परिचय कहिए किते गावन हारे। इस अंदर किन्ने गाउन वाले ने किन्ने बाजे बजाउन वाले ने वो कुदरती राग दे अंदर है उस राग दे विच रस है। ये राग छड्डे तो मिले राग नाथ छोड़ हर सेवी तदरगा पाइए मां वो राग दे अंदर है कुदरती शब्द का नाम का कह लो उसने कीर्तन किया क्योंकि वो मिठी ते मिठी आवाज है। इहदे अंदर कुदरती कंठे संत वजदे पए ने कुदरती किंगरियां वजदिया पईआ ने कुदरती मुरलियां वजदिया पईआ ने कुदरती मृदंग वजदे पए ने कंठा जाकर सुनी चौकुन। जिन्हें गुरुद्वारे मंदिर गिरजे जाके देखो उन्हें शक्ल कैसी है उन्हें या तो गुंबद हो या अलमूत्री जी शक्ल हो। मसीतां चले जाओ गुरुद्वारे चले जाओ मंदरां चले जाओ ये दो शक्लां मिलनगी हरेक दे विच कंठे संत वजदे पए ने। गुरुद्वारे जाओ तां उत्थे मृदंग कंठे संत ने मंदरां जाओ उत्थे गिरजां जाओ तां उत्थे जोतां जगदियां पईआं ने। ये मंदर है ये उन्होंने सानू नमूना दस्सिया बाहर आके सानू नमूना दस्सिया इहदे विच कुदरती कंठे संत सब कुछ वजदा पिआ कंठा जाकर सुनी चौकुन। कुदरती आरतियां होंगे पईआं ने कुदरती जोतां जगदियां पईआं ने लमूत्री शक्ल यह है नकली जिहड़े इत्थे तक आए उन्होंने यह शक्ल बना ली जिहड़े उपर गए उन्होंने यह शक्ल बनाई। इहदे अंदर सारे कंठे संख ने यह असली मंदिर है हर मंदिर शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए मन हमूल न जाने मानस मंदिर हर मंदिर ना होए।
आनंद बनाया मंदिर नहीं, ये असली मालिक का बनाया, वो असी बनाए ने, ये मालिक का बनाया है। ये कुदरती अंदर सतगुर है, कुदरती अंदर राग हो रहे ने, कुदरती कीर्तन हो रहे ने, कुदरती बाजे बजते पे ने, कंठे संख हुंदे पे ने, जोतां जगदियां पईआं ने, वो अखंड जोते दे अंदर है। इसका बाहर तेल पापा के थागे, वह अखंड जोते दे अंदर है कुदरती, वो जोत जगे ताए खालसा बनता, जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह ने कहा जग जोत जप निस्वासर एक बिना मन एक नान। ये अंदर है वो राग, ये अंदर है। कहते वह कीर्तन कितों मिलता, सात संगत चो, सात संगत केड़ी, साधु केड़ा है, घट्टो घट दस मिनट द्वार जावे वो साधु है। कबीर साहब कहते सात सोई जिन एक गढ़ लीना, नौ दरवाजे प्रगट कीना, दसवां खोल जाए जिन दीना, जहां कुफल रहा मारा है, पार ब्रह्म साध हृदय वसे, नान कुदरे साध सुन रसे। उथे वो साधु असली उदे संग दे जरिए सुने जांदा है। बाहर ना, बाहरला कीर्तन दा दो मिनट है फिर भाई नहीं, असली कीर्तन दे अंदर है, वो इदे करदा रस्ता है। नाम कहो, शब्द कहो, कीर्तन कहो, वो सीधी सड़क है, जरनैली सड़क है, जदो पकड़ी तो अपने घर पहुंच गया। गुरु खान पंथ प्रगटा, दर ठाक न कोई पाए, और नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए, अनहत तुनी दरवाज दे दर सच्चे शोभा पाए। वो इदे करदा रस्ता, और कोई रस्ता नहीं। जेड़ा पहला हुणे जिक्र कीता सी गुरु नानक साहब ने, सिद्धा ने पूछया, तो उन्होंने कहा किस विध पुरखा जन्म बटाया, काहे को तू ए मन लाया, किस विध आशा मनसा खाई, किस विध जोत निरंतर पाई। उन्होंने फरमाया सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, अनहद राते ए मन लाया, आशा तृष्णा शब्द लाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। बस एक ही रास्ता है, चाहे हिंदू होके गया कोई, चाहे मुसलमान होके गया, चाहे ईसाई होके गया, सब एक रास्ते गए ने। असी शब्द कहने, बाणी कहने, नाम कहने, उन्होंने कलमा कहता है, ईसाइयों ने वर्ड कहता है, गल एक ही है। और इन पकड़ना ही सच्चा सौदा है, और बाहर कोई सच्चा सौदा नहीं। सच्चा सौदा हर नाम है, सच बापारा राम, गुरमती हर नाम बन गया तुम मूला फारा राम। एक का बाणी एक गुर, एक को शब्द विचार, सच्चा सौदा हट सच रतनी परे भंडार। वो फकीर ने तरीका दस देने किस तरह जप, जब तू इत्थे आएगा, इत्थे रेडियो वेव सन लेकिन असं सुन नहीं सकते, कलकत्ती की आवाज़ से फिर दी है, मुंबई दे इत्थे है, इंग्लैंड दी इत्थे है, मगर सुन नहीं सकते। या रेडियो लैने सुच लाने तो जिथे तो मर्जी ला लो। इसी तरह कुदरती अखां दे पिछे आवे, इत्थे ब्रह्म लोक दी, शिव लोक दी, इंद्र लोक दी, सचखंड दी, नामी दी, सारियां आवाज़ आउंदियां पईआं ने। जिहा जिहा इहनूं फकीर मिले उत्थे जा सकदा है, अगर इहनूं सचखंड नामी दा मिलिया है तां उत्थे तो सुच ला, उह दसूआ तरीका, उह इहनूं सीधे रस्ता मिल जाऊगा। बस शब्द मिले तो हर मिले, सेवा पद सब आए, होर कोई तरीका नहीं। हाँ जी, हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन के कर्मा, कहो नानक तिस पयो प्राप्त, जिस पूरब लिखे का लेना। कहने राग नु कौन सुनदा, ये तो कोई ऐसे नसीब हो, कोई ऐसी पुरानी भक्ति होवे, कोई कमल साधु मिल जे, तुर कर्म पाया तुद जन को से नाम हर के लागे, कहो नानक ते सुख होया तित कराना पाजे। जिदे तुर दुर्गा कोई हुक्म होवे, उन कमल साधु मिले, दे अंदर नाम दा बीज पावे, ये मेहनत करे ता वो सुन सकदा है, ये इहदे करदा रस्ता। हाँ जी, तेरो सेवक ए रंग माता, कहिंदे जिन्हें आकाश बाणी कह लो, नाम कह लो, शब्द कह लो, जिन्हें सुनिया वो मालिक दा सेवक है, मालिक तेरा सेवक है, बाकी सब मन दे सेवक ने। बाकी सब मन दे सेवक, मनमुख कौन है, से मनमुख जे शब्द ना पिछा। हुण जिन्हें अंदर शब्द गुरु नूं प्रगट नहीं कीता, शब्द नूं नाम नूं प्रगट नहीं कीता, सारी दुनिया मनमुख है। कोई विरला ही गुरमुख है जिहड़ा अंदर शब्द गुरु नूं प्रगट करदा, बाकी सारी मन दे मताए ता, मन अंतर बोले सब कोय, मन मारे बिन भत ना होए, सारी दुनिया मन दे मताए ता, मन दे कहे भगती करदी पई है। हां जी, तेरो सेवक ए रंग माता,
ਕਾਲ ਦੀਨ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਜੁਗਦਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਗਾ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗੇ ਕੰਮ ਖਾਣਾ ਕੰਮ ਸੌਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮੂਲ ਬਣਾਇਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਗੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ 84 ਫਿਰਦੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਫਲ ਹੈ ਚੰਗੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਲੇਕਿਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ 84 ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਲਾ ਨਾਮ ਕਾ ਅਬਰ ਜੋ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਭਾਵ ਜਾ ਤਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦਿਲਮ ਭੈ ਸੰਤੋ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਣਾ ਪਾਈ ਨਾਮ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਲਈ ਪੂਜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਪੂਜਾ ਹੈ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਦਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਮ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇ ਸਭ ਜੰਦੂਤ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ
ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੇ ਨਿਰਵਾਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿੰਦ ਸਿੰਦ ਛੂਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਧਨ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅੱਗ ਗਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਗਾਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅੱਗ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਡਾਕੂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਮਦੂਤ ਖੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ। ਅਗਰ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੀ। ਨਾ ਖਰਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਧਨ, ਇਹ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਹ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਭ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੀ ਕਾਠੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਹੈ ਸਭ ਸਿੱਧ, ਕਰ ਜੋੜੇ ਠਾਡੇ ਖੜੀ ਖੜੇ ਆਠ ਸਿੱਧੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਭ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਜਪਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਟੀਆਂ ਨੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲਣ, ਇਹ ਜੜ ਹੈ ਮੂਲ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਜੜ ਨੇ,
ਉਹ ਨਾ ਮੰਦਰ ਆਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੜ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾੜੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲਵਾਂ ਕਰਨੇ ਮਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਮਨ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ ਪੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਬਸ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਧਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਭੋਗੇ ਰੋਗ ਸੰਤ ਕਰੋ जब से नीन भरी है मिया जब से नीन भरी है मिया सतगुरु ने अपनाया सतगुरु ने ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਲਈ ਬਾਈ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਊ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੀ ਜੁੜੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸਤਵਾਜੀਆਂ ਵੀ ਨੀ ਚਲੇ ਜਾਊ ਫਿਰ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦ ਲਵਾਂਗੇ ਆਨੰਦ ਪਰਾਇਆ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆਪਣਾ ਕਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਜੀਆਂ ਮਾਧਾਇਆ
जिथे पाया सतगुर दुनिया भरी पी है सतगुर सह सेती जेड़ी कित लोकी ते पार चौथे लोक च त्रै गुणा में सह न उपजे त्रै गुण परम पुलाए पढ़िए गुणिया क्या कथिए जो मुडो कुता जाए चौथे पद में सह जा गुरमुख पले पाए उथे है कहना वह खुशी है ये ठीक है भी सतगुर चोले चाहता है हमारा परथा बड़ा बवेकी आपे संत कहावे कुछ भी खुशी है पर एक आनंद कोई हो रहा है वो आवे अंदर ता खुशी आवे बाहर लेना तो खुशी रहती नहीं बाहर ला तो मिले खुशी ता नहीं हो बाहर ला मिले खुशी ता नहीं अंदर जावे उसने अंदर प्रकट करे ता है खुशी आवे कहना उस सहज वास्ता जाके उठे मिलिया उठे कहना खूब राग रतन परिवार खूब परियां नचदियां पईयां ने खूब राग हुंदे पए ने बाजे बजदे पए ढोलकां बजदियां पईयां आनंद हुंदे पए ने वो खुशी है हिदायत वास्ते है भी एडी खुशी की चीज है लै लो लै लो लै लो खट लो खट लो खट लो पर अस पढ़ी जाने कद खटिया तो है ही ना आनंद हुआ
क्या नहीं करते रे साचा नाम में।